नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी की जीत पर आज होगा भव्य कार्यक्रम, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। परेड ग्राउंड से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक रोड शो के जरिए पहुंचेंगे सीएम धामी। दोपहर 3:15 पर सीएम पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होंगे। करीब 4:15 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 4:30 पर परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी और शाम 7 बीजेपी प्रदेश कार्यालय रोड शो के जरिए पहुंचने का कार्यक्रम होगा। सीएम धामी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से जीत यहां पर खुद को साबित सीएम धामी ने किया है वो गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं पूरी पार्टी की तरफ से अब उनका भव्य यहां पर स्वागत होगा। तो धामी की जीत पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया और उससे पहले रोड शो के जरिए यहां पर वो बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारी यहां पर की जा रही है। तो परेड ग्राउंड से बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक रोड शो के जरिए पहुंचेंगे सीएम धामी। दोपहर 3:15 पर सीएम पंतनगर एयरपोर्ट से देहरादून के लिए रवाना होंगे। करीब 4:15 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम धामी। तो कार्यक्रम को लेकर ये पूरा शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं जो रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सिला, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तैयारी इस भव्य कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री करीब 4 के लगभग परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पहले करीब 2-3 के कार्यक्रम रखे गए हैं अलग अलग, जिसमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद एक भव्य रोड शो निकाला जाएगा जो प्रदेश कार्यालय तक पहुंचेगा। प्रदेश कार्यालय में भी मुख्यमंत्री का बड़े पैमाने पर स्वागत होगा। तो बीजेपी की तैयारी पूरी है, एक प्रचंड जीत मुख्यमंत्री ने दर्ज की है और इसीलिए बड़ा स्वागत कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। परेड ग्राउंड में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश के कोने कोने से पहुंचेंगे, यानी आज जो प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर और जिस तरह से मुख्यमंत्री का कल चंपावत पर स्वागत किया, आज राजधानी में पूरे प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और साथ ही पूरा शेड्यूल एक बार फिर से आप बताइएगा कि किस तरह से रहने वाला है मुख्यमंत्री धामी का इस भव्य कार्यक्रम को लेकर, उनके स्वागत को लेकर। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अभी इस वक्त खटीमा में मौजूद हैं। कल चंपावत में उनका स्वागत हुआ, उसके बाद खटीमा वो पहुंचे, खटीमा में उनका एक कार्यक्रम रखा गया था, वहां भी उनका भव्य स्वागत किया गया। आज का कार्यक्रम इस तरह का है कि 3:15 पंतनगर एयरपोर्ट उधम सिंह नगर जनपद से वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। 4:15 जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 4:30 वो देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे और पार्टी पदाधिकारियों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है स्वागत कार्यक्रम उसका प्रतिभाग करेंगे। परेड ग्राउंड से प्रदेश कार्यालय तक एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। प्रदेश कार्यालय में शाम 7 के लगभग पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम है और इसे सफल बनाने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो जुटे हुए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे चुके हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए आयोजित किया गया है। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बता दें कि भव्य कार्यक्रम, और ये भव्य कार्यक्रम इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया, तमाम दिग्गज चंपावत में जुटे रहे, एक भव्य जीत हुई है और यही ग्रैंड कार्यक्रम जो है वो आज इसको लेकर तमाम तैयारी की जा रही है। तो वही चंपावत में सीएम धामी को अपना विधायक चुनकर बता दिया है कि अब सूबे का नेतृत्व चंपावत का ही जनप्रतिनिधि करेगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 93% वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके बाद चंपावत और देहरादून समेत पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। चंपावत में मन रहा जश्न, माहौल में घुल रहा बासंती रंग और पटाखों की आवाज पहाड़ों को ये खुशखबरी सुना रही है कि चंपावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपना विधायक चुन लिया है। जीत के बाद जब पुष्कर सिंह धामी अपने कैंप कार्यालय बनबसा पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी।
लोगों ने ढोल नगाड़ों के शोर के बीच गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। धामी ने भी भरोसा दिया कि वो जनता के प्यार का ऋण विकास के रूप में यहाँ की जनता को लौटाने की कोशिश करेंगे। सभी भाइयों बहनों का सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा समर्थन दिया है। उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद और उन्होंने जो मुझे अपना मत दिया है, मैं हर संभव जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगा कि उनके ऋण से कैसे भी ऋण हो, कैसे भी जो है, जो उन्होंने इतना बड़ा समर्थन दिया है, उस समर्थन को विकास के रूप में, यहाँ की सेवा के रूप में उनको लौटाऊं। शुक्रवार को चंपावत विधानसभा उपचुनाव के सभी 13 राउंड की मतगणना पूरी हुई तो बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 57,268 वोट हासिल किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतौड़ी को 54,121 मतों से पराजित कर दिया। निर्मला गहतौड़ी को महज 3,147 वोट ही मिल पाए और कांग्रेस, एसपी और निर्दलीय समेत सभी दूसरे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 93% वोटों के साथ ये उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतौड़ी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उम्मीद के मुताबिक ही जीत मिली है। अपेक्षा के अनुकूल हुई है और ये होना ही था। धामी की जीत की खुशी से लबरेज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अब पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल होने वाला है। चंपावत ने ठान लिया था कि वो ही प्रदेश का नेतृत्व करेगा। जो हम जनता का भाव पढ़ रहे थे, जो हम जनता के बीच में जाते, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहां ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहां से बहुत अच्छे बहुमत से जिता कर भेजे। चंपावत में बीजेपी और धामी की कितनी पकड़ थी इसे बताते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चंपावत के एक गाँव का जिक्र किया। मैं एक गांव में वहां पर गया था जहां पर 70 साल से कोई विधायक और मंत्री नहीं गए थे, और जब मैंने उनका वहां के लोगों से पूछा कि भाई वहां पर 406 वोट थे, और मैंने उनसे पूछा यहां से कितने वोट भाजपा को मिलेंगे, उन्होंने कहा कि 95% से अधिक वोट मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उससे भी आगे चले गए, मात्र 5 वोट जो है वहां पर कांग्रेस को मिले हैं, बाकी सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इसके लिए मैं वहां की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। धामी विधानसभा चुनाव में खटीमा से हारे जरूर थे, लेकिन पूरे प्रदेश में उन्होंने जीत दर्ज की थी और अब चंपावत में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर धामी ने खुद को बेहतर कैप्टन साबित कर दिया है। मुख्यमंत्री की जीत के बाद हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। मुख्यमंत्री का कल भव्य स्वागत होगा प्रदेश कार्यालय में, उसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। यानी भाजपा ये बता रही है कि ये चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उसके संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, हर कार्यकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गुड इवनिंग, सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की धमाकेदार जीत से बीजेपी में जश्न का माहौल है। तो कुल मतों में से सीएम धामी को 93% वोट मिले हैं। सीएम धामी के खिलाफ खड़े हुए सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सीएम धामी को छोड़ कोई भी प्रत्याशी 4,000 का आंकड़ा तक नहीं छू पाया है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से सीएम की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, उन्होंने जश्न मनाया। वहीं सीएम धामी ने रोड शो भी किया और जनता का आभार जताया। सीएम को बधाई देने वालों का तांता भी यहां पर देखा गया। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखे। चंपावत में होली दिवाली एक साथ मनती दिखाई दी और चंपावत की जनता ने जो भरोसा, अपार विश्वास जताया है उस पर अब खरा उतरने की बात भी सीएम धामी ने की। तो चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारी मतों से जीत दर्ज की है और जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सीएम धामी की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम को फूल माला पहनाई। सीएम धामी ने भी चंपावत में जीत के बाद जनता का आभार जताया। जनता को संबोधित करने के दौरान सीएम धामी भावुक भी हुए। ये जीत हमें बहुत कुछ
आगे बढ़ने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की गति के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए हमको एक नया जोश देती है, नया उत्साह देती है। तो चंपावत उपचुनाव में भारी जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया। तो सीएम धामी ने ट्वीट पर कर लिखा कि प्रिय चंपावत वासियों, चंपावत उपचुनाव में आपकी तरफ से वोटों के माध्यम से बरसाए गए प्रेम और आशीर्वाद से मन अत्यंत भावुक है, निःशब्द हूं और ये राष्ट्रवाद, लोक कल्याण और सुशासन की विजय है जो चंपावत के चहुमुखी विकास का नया अध्याय लिखेगी। सहृदय आभार चंपावत। तो ये ट्वीट करके चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया, क्योंकि जिस तरह से अपना असीम प्रेम, अपार विश्वास मुख्यमंत्री धामी के उन्होंने जताया है, उस पर खरा उतरने की बात भी कही। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत में भारी जीत मिली है, जिसके बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। तो वहीं संत समाज भी सीएम धामी की जीत के जश्न में डूबा नजर आया। जीत की खबर मिलते ही निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्रपुरी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमते नजर आए। संतों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही हरिद्वार में कई जगह पर पटाखे भी फोड़े गए। संतों का कहना है कि यूपी में सीएम योगी की तर्ज पर अब सीएम धामी भी उत्तराखंड में चहुमुखी विकास करेंगे। हम जीत पे सभी संत महात्मा बहुत आनंदित हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि इतने रिकॉर्ड मतों से जो है उनको जीत मिली है और सभी जनता का बहुत हौसला बढ़ा है उससे। और हम धामी पे जी, हमारे को पूरा विश्वास है कि पहाड़ों में जो विकास रुका हुआ है उनके द्वारा विकास होगा। हम जीत पे सभी संत महात्मा बहुत आनंदित हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि इतने रिकॉर्ड मतों से जो है उनको जीत मिली है और सभी जनता का बहुत हौसला बढ़ा है उससे। और हम धामी पे जी, हमारे को पूरा विश्वास है कि पहाड़ों में जो विकास रुका हुआ है उनके द्वारा विकास होगा। तो उधर चंपावत के उपचुनाव में सीएम धामी की जीत पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि ये जीत सीएम धामी की नहीं बल्कि सरकार लड़ी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे और घपलेबाजी की गई। कांग्रेस ने इस मामले की किसी रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग भी की है। वो कौन लोग थे, कौन सी ऐसी आत्माएं आई, कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने वोट परसेंटेज बढ़ाया? जब बूथ में लोग ही नहीं थे तो कहां से बढ़ा? और एक बजे के बाद ही बिजली कटौती की गई जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, और सीसीटीवी कैमरे बंद होने की जो अवधि है उसमें कितना वोट पड़ा है ये जांच का विषय है। और इसको हम हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मांग कर रहे हैं कि उस अवधि की जांच की जाए कि उस अवधि में कितना वोट परसेंटेज पड़ा और कितनी देर में विद्युत कटौती हुई। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।